नमस्कार आदाब, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं न्यूज क्लिक का डेली राउंडअप शो। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य सुर्खियों पर। न्याय की चौखट पर महिलाएं, दो मामले दो सवाल जिन्हें हल किया जाना जरूरी है। बाग के पूर्व सीईओ पार्थो दास गुप्ता को मिली जमानत। मानेसर, मूलभूत सुविधाओं और उचित वेतन बढ़ोतरी की मांग को लेकर कर्मचारियों ने किया काम बंद। हमारी चौथी और आखिरी खबर, कोरोना अपडेट। देश में 24 घंटों में 12,286 नए मामले। उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के आरोपी एक लोक सेवक से पूछा कि क्या वह लड़की से शादी करने को तैयार है। शीर्ष अदालत को बताया गया कि आरोपी पहले से ही विवाहित है, तो पीठ ने उसे नियमित जमानत के लिए संबंधित अदालत का रुख करने को कहा। इसके अलावा एक दूसरे मामले में उच्चतम न्यायालय ने शादी का झांसा देकर एक महिला के साथ दुष्कर्म के आरोपी व्यक्ति को 8 हफ्ते के लिए गिरफ्तारी से छूट प्रदान कर दी। इसके साथ ही न्यायालय ने सवाल किया कि क्या पति पत्नी के रूप में एक साथ रहने वाले दंपत्ति के बीच शारीरिक संबंध को बलात्कार कहा जा सकता है। इन दोनों मामलों में शीर्ष अदालत की टिप्पणियों ने इन मसलों पर लेकर सालों से संघर्ष कर रहे महिला अधिकार कार्यकर्ता को सकते में डाल दिया। उनका कहना है कि जब शीर्ष अदालत इन मसलों को लेकर अभी तक स्पष्ट नहीं है, तो फिर समाज में बदलाव की प्रक्रिया कितनी मुश्किल है। CPIM पॉलिट ब्यूरो की सदस्य वृंदा करात ने कहा कि बलात्कार पीड़ित कोई रोबोट नहीं है, जिनके विचार और भावनाएं दूसरों के रिमोट कंट्रोल में होते हैं। उन्होंने CJI ऐसे बोबड़े को इन मामलों पर चिट्ठी लिखते हुए आरोपी को दी गई गिरफ्तारी से सुरक्षा वापस लेना तथा औरंगाबाद उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखने की मांग की। बॉम्बे हाई कोर्ट ने TRP घोटाले मामले में गिरफ्तार ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल के पूर्व CEO पार्थो दास गुप्ता को जमानत दे दी है। ये जमानत जस्टिस PD Naik ने दास गुप्ता को 2 लाख रुपए के निजी बॉन्ड और इतनी ही राशि देने में सक्षम जमानती मुहैया कराने की शर्त पर दी। दास गुप्ता ने इस साल जनवरी में हाई कोर्ट में जमानत याचिका की अर्जी दाखिल की थी, लेकिन कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा था कि वो इस मामले में मास्टरमाइंड की भूमिका में है। पार्थो दास गुप्ता को बीते साल दिसंबर में गिरफ्तार किया गया था। दास गुप्ता पर आरोप है कि उन्होंने अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग किया और ARG आउटलायर मीडिया, जो कि सभी रिपब्लिक TV चैनल चलाते हैं, और रिपब्लिक TV एडिटर इन चीफ अर्णव गोस्वामी के साथ मिलकर TRP में हेरफेर किया। दोनों के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए गए हैं। गोस्वामी और दास गुप्ता के बीच व्हाट्सएप चैट से पता चला कि उनको बालाकोट एयर स्ट्राइक का पहले ही से ज्ञान था। गोस्वामी ने दास गुप्ता को बताया कि कुछ बड़ा होने वाला था। इस बात का खुलासा मुंबई पुलिस ने किया था। दास गुप्ता ने मुंबई पुलिस को लिखित बयानों में बताया था कि गोस्वामी ने TRP रेटिंग्स में हेरफेर सुनिश्चित करने के लिए उन्हें $12,000 और 40 लाख रुपए नगद रिश्वत दी थी, जिससे रिपब्लिक TV को नंबर 1 रेटिंग मिली थी। IMT मानेसर स्थित सत्यम ऑटो कॉम्पोनेंट प्राइवेट लिमिटेड में सोमवार दोपहर से 1,000 से अधिक कर्मचारी पूरी तरह से काम बंद करके कंपनी के भीतर ही हड़ताल पर बैठ गए। इससे पहले कर्मचारी 1 सप्ताह तक भोजन का बहिष्कार भी कर चुके हैं। सोमवार से यहां उत्पादन शून्य है। ये कर्मचारी मुख्यतः कोरोना की आड़ में उनसे उनके छीने गए मौलिक अधिकार और वेतन बढ़ोतरी की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। आइए देखते हैं वहां से हमारी ग्राउंड रिपोर्ट। नमस्कार, अभी हम खड़े हैं IMT मानेसर में। कोरोना काल के बाद आम लोगों की ज़िंदगी जहाँ पटरी पर लौटने का दावा किया जा रहा है, लेकिन अगर हम औद्योगिक क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों के हालात देखें तो उनकी ज़िंदगी पर जो प्रभाव है, या कहें दुष्प्रभाव है, उसका असर देखने को अब मिल रहा है। लगातार IMT मानेसर या गुड़गांव औद्योगिक इलाका, जो दिल्ली के NCR के आसपास का है, वहाँ मजदूर अपने मूलभूत सुविधाओं और हर साल मिलने वाले वेतन बढ़ोतरी को लेकर लगातार धरना प्रदर्शन कर रहा है। कुछ समय पहले हमने आपको बावल औद्योगिक क्षेत्र में एक मजदूर की एक फैक्ट्री कहानी दिखाई, जहां महिला मजदूर अपने वेतन बढ़ोतरी को लेकर प्रदर्शन कर रही थी। इसी तरह से कई और इस इलाके में बहुत सारे यूनियंस हैं, वर्कर्स यूनियन, लगातार इसी तरह की डिमांड लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। आज हम ऐसी ही एक फैक्ट्री सत्यम ऑटो पार्ट्स कंपनी है जिसके बाहर हम खड़े हैं, जिसके मजदूर कल से काम पूरी तरह से बंद करके अंदर हड़ताल में बैठे हैं। यहां करीब 1600 के आसपास मजदूर काम करते हैं, जिसमें अधिकांश लोगों ने पूरी तरह से काम बंद करके हड़ताल में बैठे हैं। आइए उनसे बात करके समझने की कोशिश करते हैं उनकी क्या समस्याएं हैं और प्रदर्शन करने क्यों मजबूर हुए हैं और उनकी मांगे क्या हैं। अप्रैल में हमारी कंपनी चालू हो गई थी, हमें काम के लिए बुला लिया था 5 मई को। ठीक है, हमारी फिर उसके बाद पेमेंट के बारे में बातचीत हुई, लेकिन पेमेंट इन्होंने इसमें
लॉकडाउन का पीरियड। हाँ, लॉकडाउन की जो अप्रैल की देनी थी, जैसे कि गवर्नमेंट की गाइडलाइन थी कि किसी की तनख्वाह नहीं कटेगी और न किसी को बाहर निकाला जाएगा, लेकिन इन्होंने अप्रैल की पेमेंट हमें नहीं दी। फिर हमने इन्होंने से कहा कि हर कंपनी यदि दे रही है तो आप भी दीजिए, लेकिन इन्होंने न तो मीटिंग करी। फिर हमने ALC साहब, DLC साहब, DC साहब, सारी जगह पे एप्लीकेशन लगाई कि ये पेमेंट हमें नहीं दे रहे हैं, जबकि हमें पेमेंट 7 तारीख को मिल जाती है। हमारे यहाँ 1 जुलाई 2019 से इंस्टॉलमेंट चल रहा है, जिसमें हमने बहुत शांतिपूर्वक माहौल से 20 महीने हो गए आज बैठे हुए, शांतिपूर्वक बात चल रही थी, लेकिन मैनेजमेंट का अड़ियल रवैये को देखते हुए हर कोई भी लड़का, मान लो कोई बाथरूम के लिए जाता है या कोई कैंटीन के में भी कोई जाता है या वैसे कोई घर से फोन आ जाता है, तो उन लड़कों के ऊपर इतना टॉर्चर किया जा रहा है जो हद से ज़्यादा, जिसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहे हैं मैनेजमेंट वाले भाई। हमारे 20 महीने से एग्रीमेंट नहीं चल हो रहा है, हम भूख हड़ताल भी कर रहे हैं, 10-12 दिन हो चुके हैं कम से कम, और ना हमारी मैनेजमेंट सुन रही है, नहीं हमारा प्रशासन सुन रहा है कोई, ठीक है, इसलिए हम अपनी लड़ाई लड़ते रहेंगे जब तक हमारी प्रशासन और मैनेजमेंट नहीं मानेगी। 10 दिन से वो हड़ताल पर थे और आज हम हड़ताल पर जा चुके हैं, और हमारी प्रशासन से भी यही अपील है कि हमारा एग्रीमेंट जल्द से जल्द कराया जाए। हर संभव कोशिश के बाद भी ये मैनेजमेंट हमारे बारे में कुछ सोच नहीं रही है। हमने काफ़ी प्रयास किए हैं और कोरोना काल में भी अपना शांतिपूर्वक तरीके से और अपने सिस्टम से हमने हर तरह से इनको मनाने की कोशिश की है, अपनी मांगों को पूरे करवाने की बात की है, लेकिन इन्होंने आज तक ना ही हमारी कोई बात सुनी है और ना ही सुनने को तैयार है। जब भी कुछ हम थोड़ा बहुत वो करते हैं तो हमें यहाँ लाइनों पे परेशान किया जाता है, लेटर दिए जाते हैं, धमकी दी जाती है कि तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। कुछ हमारे अधिकारी ऐसे भी हैं जिन्होंने जानबूझकर ज़बरदस्ती से इस काम को रोका हुआ है। सामूहिक पत्र पे, मांग पत्र पे बातें नहीं की जा रही और ना ही मीटिंग अरेंज की जाती है, प्रधानों के साथ भी गलत व्यवहार किया जाता है, उनके खिलाफ़ झूठी कार्रवाई की धमकी दी जाती है। तो हमारी आप सभी से और प्रशासन से और सभी सामाजिक अपने साथियों से यही अपील है हमारी कि हमारी इस मुहिम में मदद की जाए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा आज मंगलवार यानी 2 मार्च को जारी आंकड़ों के अनुसार देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 12,286 नए मामले सामने आए हैं और 91 मरीजों की मौत हुई है। साथ ही इसी बीच कोरोना से पीड़ित 12,464 मरीजों को ठीक किया जा चुका है और एक्टिव मामलों में 269 मामले कम हुए हैं। देश में कुल मामलों की संख्या बढ़कर 1,11,24,527 हो गई है, जिनमें से संक्रमण के कारण अब तक 1,57,248 मरीज अपनी जान गंवा चुके हैं। देश में कोरोना से पीड़ित 97.07% यानी 1,07,98,921 मरीजों को ठीक किया जा चुका है और एक्टिव मामलों की संख्या घटकर 1.51% यानी 1,68,358 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ताजा जानकारी के अनुसार देश में अब तक कोरोना वैक्सीन की 1,48,54,136 डोज दी जा चुकी है, जिनमें से 5,52,639 वैक्सीन की डोज पिछले 24 घंटों में दी गई है। आज के डेली रोडअप में बस इतना ही। न्यूज क्लिक के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही देश और दुनिया की अन्य खबरों के लिए हमारी हिंदी और इंग्लिश वेबसाइट भी जरूर देखें। फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर हमें फॉलो करें। न्यूज क्लिक देखने के लिए शुक्रिया।